गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 4, हीट एंड टेम्परेचर, विच इज़ मेंशन इन योर साइंस बुक. सो स्टूडेंट्स, इन अ प्रीवियस वीडियो वी स्टडी अबाउट टेम्परेचर स्केल. व्हाट आर टेम्परेचर स्केल, हाउ मेनी टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल वी नो और वर्क और डूइंग एनी थिंग्स लाइक. टेम्परेचर स्केल आर ऑफ 3 टाइप और टेम्परेचर इज मेजर्ड इन आइदर 3 स्केल विच इज सेल्सियस, फारनाइट एंड कैल्विन स्केल. इन सेल्सियस स्केल एंड फारनाइट स्केल वी कॉमनली यूज, बट कैल्विन स्केल आर यूज ओनली फॉर साइंटिफिक वर्क. ठीक है स्टूडेंट्स, सो टूडे वी स्टडी अबाउट थर्मामीटर्स. वट आर थर्मामीटर, हाउ मेनी टाइप ऑफ थर्मामीटर आर वी यूज. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगेन. थर्मामीटर्स, थर्मामीटर्स टू मेजर टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज़ अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. किसी भी चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट, थिंग का टेम्परेचर नापने के लिए हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, वी यूज्ड टेम्परेचर या फिर थर्मामीटर यूज़ करते हैं हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, कि उस चीज़ का टेम्परेचर कितना है. हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एक डिवाइस का जिसका नाम दिया गया है थर्मोमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, थर्मोमीटर आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स इन विच वी कॉमनली यूज मर्करी थर्मोमीटर बाय डॉक्टर. अब क्या कह रहे हैं, जो थर्मामीटर है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. ठीक है, हम कॉमनली काफ़ी सारे थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मर्करी थर्मामीटर है उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है डॉक्टर्स के थ्रू या अदर क्लिनिकल लेबोरेटरी में भी. ठीक है, मर्करी थर्मामीटर का ही इस्तेमाल होता है. अब क्यों होता है ये आप आगे पढ़ेंगे. एल्कोहल एंड मर्करी यूज इन मेकिंग थर्मामीटर. मर्करी इज प्रिफर्ड टू अदर लिक्विड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. अब क्या कह रहे हैं, जो एल्कोहल एंड मर्करी, एल्कोहल एंड मर्करी यूज का इस्तेमाल किया जाता है कप में थर्मामीटर का बनाने के लिए. अब जो मर्करी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है दूसरे लिक्विड की बजाय, मर्करी क्या है, एक मेटल है और लिक्विड होती है, लिक्विड इन स्टेट होती है. अब इससे कुछ आपके रीज़न है जिसकी वजह से मर्करी का इस्तेमाल किया जाता है बाय अदर मेटल्स के. ठीक है, फर्स्ट है यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन. यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, आपका ये क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉन्ट्रैक्शन जब कोई भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट कोल्ड के कॉन्टैक्ट में आती है तो वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है. और कोई भी चीज़ जब हॉट सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आएगी तो वो एक्सपेंड होगी. तो ये जो मर्करी है वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो सकती है. अब देखा होगा जब टेम्परेचर मेज़र करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे थर्मामीटर का जो है हमारी बॉडी के कॉन्टैक्ट में आएगा, और अगर हमारी बॉडी हीट है तो उसका टेम्परेचर राइज होता है, और नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कम होता है. तो मर्करी ईजिली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर सकती है. नेक्स्ट, डज नॉट स्टिक टू द वॉल ऑफ थर्मामीटर. जो मर्करी है थर्मामीटर की जो वॉल होती है, साइड की जो वॉल होती है, उससे स्टिक, चिपकती नहीं है, ईजिली चिपकती नहीं है. अब जब मर्करी लिक्विड, आपको पता है लिक्विड जब किसी गर्म चीज़ के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसकी वॉल से चिपकने की कोशिश करेगा, लेकिन मर्करी ऐसा नहीं करती है. ठीक है, नेक्स्ट, मर्करी ओनली मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट. अब ये क्या कह रहे हैं, मर्करी एक ओनली मेटल है जो लिक्विड स्टेट में आपको मिलती है, और ये जो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या मतलब, अच्छा कंडक्टर है जो हीट को है, गर्मी को इजीली पास आउट कर देती है. ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ शाइनिंग. अभी क्या कहता है, जो मरकरी है शाइनिंग, सिल्वर गेनिंग प्रॉपर्टी होती है मरकरी की. शाइनिंग है तो सिल्वर लाइक प्रॉपर्टी होगी. सो कि वी इजिली सीन एंड रीड डिस्टिंक्टली ऑन द एज और बाउंड्री ऑन स्किन. अच्छा, शाइनिंग होती इस तो हम क्या कर सकते, ईजिली जब हम अपना टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो क्या होगा, जब ये शाइनिंग ऑब्जेक्ट की वजह से, शाइनिंग की वजह से क्या होगा, ये ऊपर नीचे जाएगी, तो हम जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है थर्मामीटर का उसमें ईजिली देख सकते हैं, या अपना जो स्केल है उस पर अपना टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं, तो हमारी बॉडी का या फिर जो रूम टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर कितना है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये ईजिली पता कर सकते हैं इसके शाइनिंग प्रॉपर्टी की वजह से. नेक्स्ट, इट हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट 35 डिग्री सेल्सियस. अभी कह रहा है जब से लो फ्रीजिंग पॉइंट है इस थर्मामीटर का, मरकरी थर्मामीटर, -39 डिग्री सेल्सियस होता है मरकरी का, और जो हाई, सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 35 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है, इस रेंज को ये मेंटेन कर सकती है मरकरी. नेक्स्ट, यूज टू मेजर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. अभी क्या कह रहा है, जो मरकरी है इसका इस्तेमाल काफ़ी वाइड रेंज, मतलब बहुत बड़ी रेंज तक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए
किया जा सकता है, मतलब कितना भी टेम्परेचर उस सबको मेंटेन करने के लिए मरकरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है आपका थर्मामीटर में, थर्मामीटर ऑफ बेसिकली थ्री टाइप, लेबोरेटरी थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। सो टुडे वी स्टडी अबाउट लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड डिजिटल थर्मामीटर। सो फर्स्ट स्टार्ट विद लेबोरेटरी थर्मामीटर। इन लेबोरेटरी थर्मामीटर इट कंसिस्ट ऑफ ए थिन ग्लास ट्यूब विच इज सील्ड एट वन एंड एंड हैज ए बल्ब एट अंदर एंड। अब क्या कह रहे हैं, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो क्या होगा, एक थिन पतली सी ग्लास, जो कांच गिलास होती है उसकी ट्यूब लाइक होती है, ठीक है, एक ट्यूब लाइक होगी जिसमें क्या होगा, एक एंड एक हिस्सा तो पूरी तरह बंद होगा और दूसरी तरफ एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इस टाइप की बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। एक साइड जो बल्ब है इज जनरली फिल्ड विद मरकरी और एल्कोहल। देखिए अब ये जो ब्लैकिश है, ये मान लीजिए मरकरी, ये बल्ब का जो हिस्सा होता है वो किससे भरा होता है, मरकरी या फिर एल्कोहल से फील्ड होता है, भरा हुआ होता है, ठीक है। अब जो रेंज ऑफ टेम्परेचर विच इज़ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन मीजर इज़ फ्रॉम 10 degrees to 110 degrees Celsius, ठीक है। आप ये जो टेम्परेचर की रेंज है वो 10 degrees Celsius से 110 degrees Celsius के बीच में आप कोई भी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं या मीज़र कर सकते, देख सकते हैं। लेबोरेटरी में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम काफ़ी बार कुछ काम करते हैं तो उसमें ये देखने के लिए कि जो हमारा सब्सटेंस हमने बनाया है उसका टेम्परेचर कितना है या फिर रूम का टेम्परेचर कितना है, इसके लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक साइड पूरी तरह ढका हुआ होता है, कवर होता है, दूसरी साइड एक बल्ब होता है और वो बल्ब पूरी तरह मरकरी या एल्कोहल से फिल्ड होता है। अब यही बल्ब, इसी बल्ब को सबसे पहले किसी सब्सटेंस से ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, ठीक है। ये जब ऑब्जेक्ट हॉट के कॉन्टैक्ट में आएगा तो इसका टेम्परेचर भर जाएगा, ये देखिए ऐसे यहाँ से बल्ब अपना लिक्विड रिलीज करेगा, जहाँ जितना भी आपका बॉडी का टेम्परेचर मान लो 20 degrees है तो वहाँ पे आके रुक जाएगा, ये आपका सिल्वर कलर यहाँ के रुक जाए तो आपको पता चल जाएगा कि उस चीज़ का जो टेम्परेचर कितना है 20 degrees Celsius, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर क्या होता है, इसमें क्या, मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, जो मरकरी है टॉक्सिक जहरीली हो सकती है कहीं, ठीक है, होती है आपकी कैडमियम, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम जितनी भी है वो टॉक्सिक सब्सटेंस होती है। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो काफ़ी सारी आपको डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, काफ़ी सारी डिजीज़ कोर्स कर सकती है ये। अब इसका क्या, वाइल यूजिंग इफ थर्मामीटर ब्रेक्स वन गेट एक्सपोज टू मरकरी। अब क्या कह रहे हैं, मान लो जब हम इसका थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं और उस टाइम ये थर्मामीटर टूट जाता है तो क्या होगा, ये मरकरी हमारी बॉडी के कॉन्टैक्ट में आएगी, कॉन्टैक्ट में आने के बाद हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगी जिसकी वजह से हमारे समय सेवरल डिजीज कोर्स कर सकती है। इसलिए इन लेबोरेटरी थर्मामीटर मरकरी थर्मामीटर को रिप्लेस किया गया है बाय डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है। डिजिटल थर्मामीटर इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ मरकरी क्लिनिकल थर्मामीटर। जो मरकरी क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी जगह आप डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिजिटल थर्मामीटर में क्या होता है, मरकरी नहीं होते, इट डज नॉट यूज़ मरकरी। देखिए इस टाइप का डिजिटल थर्मामीटर होता है, ठीक है। अब इन डिजिटल थर्मामीटर में क्या होगा, टेम्परेचर इज डिस्प्लेड इन न्यूमेरिक फॉर्म। देखिए आपका टेम्परेचर न्यूमेरिक फॉर्म में है, ठीक है, न्यूमेरिक फॉर्म में है टेम्परेचर, है ना। अब देखिए इस थर्मामीटर में आपको क्या था, आपको खुद पता करना था कि कौन से कहाँ पे आके आपका वो रुक रहा है और आप उससे देख रहे थे कि 20 degrees Celsius हमारा टेम्परेचर सब्सटेंस का ये कितना है। लेकिन डिजिटल थर्मामीटर में ऐसा नहीं है, जैसे डिजिटल थर्मामीटर कॉन्टैक्ट में आएगा आपकी बॉडी के किसी भी ऑब्जेक्ट की तुरंत बता देगा, न्यूमेरिक वे में नंबर में बताएगा कि उस बॉडी का टेम्परेचर, ठीक, उस सब्सटेंस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। अगर आप ये इजीली होम में घरों में इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है। अदर टाइप ऑफ थर्मामीटर आल्सो इंक्लूड, दूसरे टाइप के थर्मामीटर भी हो सकते हैं जैसे कि रेजिस्टेंस थर्मामीटर, रिवर्सिंग थर्मामीटर एंड लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर विच यू फर्दर स्टडी इन हायर क्लास। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स योर टूडेज होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट डाउन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर स्केल, डिस्क्राइब सेल्सियस स्केल। टेम्परेचर स्केल क्या होता है, उसके साथ साथ आपको सेल्सियस स्केल के बारे में भी डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो द फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट इन आ लिक्विड। एक लिक्विड में कन्वेक्शन करंट कैसे बनता है ये आपको डिस्क्राइब करना है। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।